अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सीएसडी फूड स्ट्रीट आए हुए हैं और हम पहले भी सीएसडी फूड स्ट्रीट वैसे तो आ चुके हैं, लेकिन आज हम कलंदर के फूड स्टॉल पे आए हैं। यहाँ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी है हमें इनके खाने की और इनका प्लेटर बहुत फेमस है, इनका बारबेक्यू प्लेटर, तो आज हम वो ट्राई करेंगे। उसके साथ साथ हमने इनकी मक्खनी हांडी भी ट्राई करनी है, तो इंशाल्लाह ये कि ट्राई करेंगे चीज़ें और फिर आपको फूड रिव्यू देंगे कि कैसा इनका खाना है। फैमिली फ्रेंडली यहाँ का एम्बियंस है सीएसडी फूड स्ट्रीट का, और ओपन एयर अरेंजमेंट है। शाम के टाइम अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप को ऐसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप डिफेंस की साइड से आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पड़े कालापुर के पास, और अगर आप शाहरे फैसल की तरफ से आते हैं तो आपको राइट साइड पड़े। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर सीएसडी मार्केट भी है, सीएसडी सुपर मार्केट भी है, जहाँ से आप लोग खाने के आप इंजॉय करने के बाद आप यहाँ से चाहे हाउस होल्ड शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये शाम के टाइम मेरे हिसाब से 6 से 7, बल्कि 7 बजे के बाद ये जगह स्टार्ट होती है 6 के बाद, और फिर 12 बजे तक ये जगह खुली हुई होती है, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। तो यहाँ आए और बाकी देखें फूड आज ट्राई करते हैं कलंदर का, फिर आपको रिव्यू देते हैं कैसा फूड है। वीकेंड पे लेट नाइट पे भी बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं, लेट नाइट तक भी खुली जाती है। इनका बहुत ही वास्ट मेन्यू है, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे स्टार्टर्स, एपेटाइजर्स और कलंदर स्पेशल, इसमें चिकन स्ट्रिप्स वगैरह, पेरी पेरी पीसेस, और साथ साथ यहाँ पे पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी हैं, चीज़ फ्राइज़ भी हैं। फास्ट फूड में इनके पास बर्गर्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं और ब्रोस्ट होता है। और साथ अगर इनकी आप स्पेशलिटी की बात करें तो इनका बारबेक्यू और ग्रिल का सेक्शन इनकी स्पेशलिटी है, जिसमें इनके पास टर्किश कबाब होते हैं और मलाई बोटी होती है, साथ साथ इनकी रोल की भी इनके पास अच्छी खासी वैरायटी है, तो अच्छा खासा काफ़ी वास्ट मेन्यू है। और गाइस ये हमारा बारबेक्यू सिज़लिंग बारबेक्यू प्लेटर आ गया और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में, आप देख सकते हैं इसमें से इसको ट्राई करेंगे तो मजा आएगा। तो हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा है टेस्ट में। अच्छा, प्लेटर के साथ हमने इनकी मखनी हांडी भी ऑर्डर की है, जो कि स्पेशलिटी है इनकी, और अब ये भी हम ट्राई करेंगे, और मखनी हांडी पराठे के साथ, और साथ में ये प्लेटर तो है ही। ये ऊपर इन्होंने टिक्का रखा हुआ है इसके ऊपर, इसको भी ट्राई करेंगे, बहुत बड़ा है। और कबाब ट्राई करते हैं, मैं देख के बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। गाइस अभी मैं इनका टर्किश कबाब ट्राई कर रहा हूँ, तो चेक करते हैं टेस्ट में कैसा है। बहुत ही सॉफ्ट है और जूसी है, मज़ेदार है और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, और बहुत सॉफ्ट भी है और गला भी बहुत अच्छे से। टिक्का भी ट्राई करते हैं, टिक्का कैसा सीन है, क्या हाथ से खाना ज़्यादा बेहतर है, हाथ से खाने में बरकत है। हाँ, नो डाउट, बेहतरीन, बहुत जूसी टिक्का है और गर्म तो है ही, तो बेहतरीन है। पराठे के साथ ट्राई करते हैं इसको, राजा यूसुफ तुम भी ट्राई करो, बताओ इस तरह तुम खा रहे हो, मेरे तो खुद मुंह में पानी आ रहा है। और यूसुफ ये क्या खा रहे हैं यूसुफ, आप ट्राई कर रहा हूं, इट्स टाइम टू डिग इन। देखो बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है और बहुत ही डिलीशियस लगा मुझे, अगर आप सीएसडी आ रहे हैं तो इट्स वर्थ ट्राइंग, नो डाउट। हाँ, बारबेक्यू सारा इनका बहुत मज़ेदार है, ये और ये दूसरा इनका सीख कबाब है, जो कि ये भी काफ़ी, मुझे तो वैसे ही सीख कबाब ज़रा ज़्यादा पसंद है। सीख कबाब किसको पसंद नहीं होता, और वो भी सर्दियों में बारबेक्यू का तो बात ही अलग है, सर्दियों में मज़ा ही होता है, मुँह में पानी आ रहा है, मेरे से तो सबर ही नहीं हो रहा, मैं तो बस खाने पे। हाँ, ये जुनैद भाई भी हमारे खाने में लगे हैं, यार आपने लिया हुआ कुछ नहीं है, लो मखनी हांडी लो यार, जुनैद निकालो आराम से। और ये लावा बर्गर है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, नो डाउट। ये
अच्छा यूसुफ से पूछते हैं हम, यूसुफ कैसा लगा आपको खाना, आपने ट्राई करा कलंदर्स का? ऑब्वियसली आजकल जब ठंड का सीज़न है और जब आपके यहाँ बारबेक्यू आता है, सिज़लिंग बारबेक्यू आता है, तो आपको क्या ये तो है और वैसे भी इनका अच्छी फील होती है। अच्छा मैंने लेबनीज़ रोटी मुझे बहुत मज़ेदार लगी और साथ में सीख कबाब भी टेस्टी थे, मतलब सीख कबाब थोड़ी वैसे। अच्छा मुझे पर्सनली इनकी यार सबसे ज़्यादा जो हांडी थी ना वो आउटस्टैंडिंग थी, मतलब वो शो स्टॉपर है और उसका मज़ा ही अलग था। मैंने बहुत सी हांडी खाई है लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी। और जुनैद भाई तुम बताओ यार क्या तुम्हें? आदिल भाई बहुत मज़ा आ गया, नो डाउट उनकी तमाम चीज़ें बहुत बेहतरीन थी लेकिन इनकी जो सर्विस थी बहुत बेहतरीन थी। सर्विस की हाँ जो बात है टाइमिंग, मतलब एक तो इतनी सर्दी में एक गरम खाना सर्व करना ना बहुत एक चैलेंजिंग मतलब है, बहुत प्लस पॉइंट होता है कि गरम खाना और प्रॉपर्ली सर्व करना और टाइम टू टाइम, हाँ मतलब टाइम पे इन्होंने ऑर्डर सर्व किया और तो बस बेस्ट है यार। और पराठे की मैं करूँगा, पराठे भी बहुत अच्छे, पराठे भी नो डाउट फ्रेश, मुझे जितनी बार भी फ्रेश आएंगे मतलब वन ऑफ़ दी बेस्ट पराठे। हाँ तो बस मैं तो यही कहूँगा अगर आप CSD फूड स्ट्रीट आते हो या CSD सुपर मार्केट भी आते हो ना तो यहाँ कलंदर दाना यार मस्ट है, इनका खाना नो डाउट बहुत बेहतरीन है। और सबसे बेहतरीन जो मुझे इनका लगा है वो प्लेटर ही लगा है, प्लेटर और मखनी हांडी दोनों बेस्ट थी। प्लेटर 1000 रुपये में मतलब बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, बजट फ्रेंडली है, हाँ तमाम चीज़ें मिल जाएँ लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट लगा है ना वो मखनी हांडी और प्लेटर में। हाँ टिक्का बस सेट है, मज़ेदार एक्सपीरियंस है। फाइनली अपना ब्लॉग रैप अप करते हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।